आरजीआई पुलिस को एक खुफिया जानकारी मौसूल हुई थी। खुफिया जानकारी मौसूल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजा असेंबलिंग करने वाले एक टोली के अफराद को गिरफ्तार किया। पांच अफराद पर मुश्तमिल ये टोली गैर कानूनी तौर पर गांजे की असेंबली में मुलव्वज़ थे। उनके कब्जे से पुलिस ने 120 किलो गांजे के अलावा सेल फोन, इसके अलावा 1500 रुपये रकम को भी जब्त किया है। आज शमशाबाद सब डिवीज़न आरजीए पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में एक 120 केजी गांजा पकड़ में आ गया। इसमें हमको पक्का इन्फॉर्मेशन था, उसके वजह से हमने 120 गांजा पकड़ा है। इसमें एक गैंग मेंबर्स हैं, रातोड़ दशरथ, संतोष रातोड़ और परशुराम और देविया, ये चारों मिला के एक गैंग बन के उधर कर्नाटका बीदर जिले में रहने वाले हैं। ये पहले भी एक बार ऐसे ही गांजा लेकर जाके महाराष्ट्र में भेजा था। इस बार भी ये लोग 20 तारीख को चिंतूर, ईस्ट गोदावरी जिला चिंतूर में जंगलों में से उधर खरीद के इधर एक कार में ये चारों मिलके आया था। और इधर से ये लोग दो लोग दशरथ रातोड़ और देविया, ये दोनों उधर किशनगुड़ा फ्लाईओवर के पास में वेट कर रहा था दूसरे गाड़ी के लिए महाराष्ट्र जाने के लिए। तब इन्फॉर्मेशन में हमारा एसीपी शमशाबाद, इंस्पेक्टर विजय कुमार और इंस्पेक्टर वेंकट रेड्डी और उनका टीम पूरा मिलके इन लोगों को पकड़ में आया, दशरथ राठौड़। और जो दूसरा है देविया, वो भाग के चले गया, उनको भी हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे। इनके पोजीशन से हमने 60 बैग्स, एक एक बैग में 2 केजी गांजा है, 60 बैग का पूरा 120 केजी गांजा रिकवर किया है। और 15,000 कैश और एक सेल फोन भी इसे सीज किया है। हम इनके ऊपर भी और भी आगे कार्रवाई होगा, पीडी एक्ट वगैरह लगाने के लिए पूरा कोशिश करेंगे।